दोस्तों, आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि अपने बर्ड को बीच में पैरासीटामॉल और सेट्रजिन ज़रूर दें, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, अगर कहीं गर्मी बढ़ रही है तो ये उसको भी रोकता है, और कहीं ठंडक बढ़ रही है उसको भी मेंटेन करता है, यानी बॉडी टेम्परेचर को बर्ड मेंटेन रखेगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि दोस्तों, आज बर्ड में थोड़ी सी ठंडक बढ़ जाने के कारण सुस्ती टाइप से फील हो रहा है मुझे, और बर्ड बैठा हुआ है, तो उस को हम देंगे पैरासीटामॉल। अब पैरासीटामॉल देने का मतलब है दोस्तों कि किस तरह से दें। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, काफ़ी दोस्त कमेंट करते हैं कि सर, अगर पैरासीटामॉल और सेट्रजिन या कोई भी दवा देना है तो किस तरह से दिया जाए। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कि जैसे कि मान लीजिए आपके बर्ड का वज़न है 1 किलो और आपके बर्ड की संख्या है, इसको मैं एक बार लिख के बताता हूँ दोस्तों, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से पैरासीटामॉल और कोई भी दवा अपने बर्ड को चलानी चाहिए जो टेबलेट्स में होती हैं। बाकी लिक्विड फार्म की दवाएं सारी उसमें लिखा होता है दोस्तों डोज, कि हाँ आप इतना देंगे, 1000 बर्ड पे 100 ml या 1000 बर्ड पे 5 ml, इस तरह से लिखा होता है दोस्तों। तो इसको मैं लिख के ज़रा बताता हूँ आप लोगों को, पूरा एकदम क्लियर कर देता हूँ आज। और आज मैं इस वीडियो में दोस्तों FCR कैसे निकाला जाता है वो भी बता दूंगा, और कितना दाना किस कैसे खिलाना है वो भी बता दूंगा, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। तो दोस्तों, अगर जैसे कि कहा जाता है, मैं अक्सर बोलता हूँ अपने वीडियोस में, कि 40 किलो वज़न पर एक टेबलेट कैसे दें, ठीक है। काफ़ी मेरे दोस्त इस चीज़ को, मैं जब बोलता हूँ कि 40 kg बॉडी वेट पे एक टेबलेट लगाइएगा, वो चीज़ मेरे काफ़ी दोस्तों को समझ में नहीं आती है। आज उसको ही बताने के लिए मैंने अपने वीडियो में बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है दोस्तों। अगर दोस्तों ये जो भी मैं समझा रहा हूँ, अगर ये चीज़ आपको पसंद आ रही है, तो आप लोग वीडियो को मेरे लाइक ज़रूर करना, और कोई भी भाई अगर नया होगा, कोई चीज़ नहीं फिर भी समझ में आ रही है, तो मुझे कॉल कर सकता है। मेरे नंबर 8400-32-75-12, 8400-32-75-12। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या लेना होगा कि कुल चिक्स की संख्या, मतलब मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है बाया एग्जांपल, 2000 बर्ड हैं अपने पास, तो 2000 मैं लूँगा। इसके बाद अपन क्या करेंगे कि चिक्स का औसत वज़न, जैसे कि मान लीजिए अपने बर्ड का जो वज़न है वो आ रहा है 1.2 किलोग्राम, यानी 1200 ग्राम इसको बोल सकते हैं, या 1.2 यानी 1 किलो 200 ग्राम भी बोल सकते हैं। तो हम लेंगे इसको, अब फार्मूला इसका क्या होता है दोस्तों कि कुल संख्या इंटू बर्ड का औसत वज़न। हम लोग लेंगे कुल संख्या, तो कुल संख्या हमारी कितनी है, 2000 है, तो हमने यहाँ पे 2000 ले लिया। अब हमें गुणा करना है, तो कुल हमारे चिक्स का जो औसत वज़न आ रहा है वो औसत वज़न है 1.2 kg। इस तरह से हम इन दोनों को अगर गुणा करते हैं दोस्तों, तो हमारा आता है 2400 किलोग्राम, 2400 किलोग्राम आता है। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए हमें निकालना है कि 40 किलो बॉडी वेट पे, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा टोटल वज़न आया है, टोटल वज़न हमारा कितना आया है, 2400 kg, और उसको हम क्या करेंगे, 40 से भाग कर देंगे, तो हमारा टोटल वज़न कितना आया है, 2400 किलो, उसको हम 40 से भाग करेंगे, तो इस तरह से हमारा आ रहा है 60। तो दोस्तों, हमारे बर्ड को टोटल जो टेबलेट लगेंगे वो 60। पर दोस्तों, एक चीज़ आपको और भी बहुत ही ध्यान से समझना है
अब आप सभी लोगों को जितनी भी दवा बताई जाए उसका 60 60 टैबलेट लेना होगा। ये कैसे समझ में आएगा दोस्तों? जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा है एग्जाम्पल। जैसे आपको लेना है पैरासीटामॉल, सेट्रजिन और एनीजाइम। अब इन तीनों दवाओं को हम कैसे लेंगे? यानी 60 टैबलेट जो होगा वो होगा पैरासीटामॉल, 60 टैबलेट हमारा सेट्रजिन और एनीजाइम हमारा होगा 60 टैबलेट, तब जाकर आपका डोज पूरा होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग दवाओं का मैनेजमेंट करें। आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी जितने भी भाई हैं हमारे किसान भाई, उनको ये चीज़ पता नहीं होती है और वो लोग कहीं ना कहीं गलतियाँ कर बैठते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों जो मैंने आगे वीडियो में बोल दिया था कि आज FCR निकालना भी सिखा देंगे आप दोस्तों को, पर क्या करें दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और अगर लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों तो आप लोगों का भी मन नहीं लगेगा। इसलिए उस चीज़ को दोस्तों फिर किसी अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि अगर आपको अपने बर्ड का जो FCR होता है उसको निकालना है तो आपको कैसे निकालना होगा। बाकी चीज़ें आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को पसंद आ गई होंगी और उसके साथ में समझ भी आई होंगी। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी बेहतर जानकारी के साथ। और हाँ, जो भी दोस्त हमारे चैनल पोल्ट्री कोचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है दोस्तों, वहाँ पे जा करके आप लोग उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पे हर दिन का जो भी बीमारियों का वीडियो होता है दोस्तों, जितनी भी बीमारियां हैं उसको एक एक करके हम लोग अपलोड कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें अपलोड की जाएंगी। तो आप लोग उस चैनल पे ज़रूर एक बार विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सब्सक्राइब करें। अपना प्यार जिस तरह इस पे दिखा रहे हैं, इसी तरह से उस चैनल को भी अपना प्यार दिखाएं दोस्तों। हम आपके प्यार के हमेशा कर्जदार रहते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही है जो आज मैं इतना बेहतर कर पा रहा हूँ। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।